मनीष ग्रोवर साहब तेनू कहे इस जमीन के मामले में बीच में मत आ जाइए और नहीं तो फरसा देख लिए और या सरकार इस पर्चे देख लियो, बीच में नहीं आ जाएगा कोई भी, बीच में मत आ जाइए और काम रोकने की हिम्मत करिए। तो ये बात हम समझा, जब एक एमपी का काम नहीं हो रहा है तो एमएलए करोगा, किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक हम तैयार है भाई। 26 तारीख ने वहां पे 26 जून ने जंतर मंतर में पहुंचेंगे, दिल्ली में दंगल होगा। इसका मकसद ये है कि जो वहां पे मंच पे जो बात कही गई एमपी अरविंद शर्मा द्वारा, आपके इस जमीन के मामले को अटकाने का जो मेन काम कर रहे हैं वो एक्स मिनिस्टर मनीष ग्रोवर कर रहा है। तो मनीष ग्रोवर साहब तेनू कहे इस जमीन के मामले में बीच में मत आ जाइए और नहीं तो फरसा देख लिए और या सरकार इस पर्चे देख लियो, बीच में नहीं आ जाएगा कोई भी। और हम ये कह रहे हैं कि जब अरविंद शर्मा ये बतावा कि अरविंद शर्मा जब कह रहे हैं कि मेरा काम रोके हैं तो भाई लोगों तो बता अगर मेरा काम होता नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं अगर काम नहीं होता है ना तो ये फरसादारी हम अपने आप आ जाएंगे, काम करना पड़ेगा लोगों को। और अगर काम नहीं करेगा तो अरविंद शर्मा भी देख लिए भाई, तू भी सोच लिए, हम न इस चीज़ तक कोई जनता का काम 37 बरादरी का काम लेकर आओगे, काम नहीं होता है तो मारता पता हम तेरी गल ना, और जब तू भी काम नहीं करता फिर जो तेरता ही भी है हमने इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं और ये मंत्री जी को बार बार एक बार फिर सुन लिए, बीच में मत आ जाइए और काम रोकने की हिम्मत करिए मत ना। तो ये बात हम समझा, जब एक एमपी का काम नहीं हो रहा है तो एमएलए का करोगा, इसका मतलब किसी एमपी का हो ही नहीं रहा काम, इसका मतलब किसी एमएलए का हो ही नहीं रहा काम। तो जनता ने जिनको वोट दे रखा अगर उनके काम नहीं हो रहे तो काम किसके हो रहे हैं? तो हम तो सबको कहें भाई काम किसी के नहीं हो रहे हैं तो वो लोग जनता के बीच में आओ, मीडिया के सामने बता दें हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे, मारता बता दो हम आ जाएंगे भाई। जनता के तो काम करने पड़े, कोई किसी भी पार्टी का हो, कोई एमएलए एमपी बन रहा है तो जनता तो उसके पास आवेगी। और इसको लेके हम तो ये बता रहे हैं ये जमीन का जो मामला है, और इसके साथ हम ये भी बात कह रहे हैं इस जमीन के मामले में किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक हम तैयार हैं भाई साहब। 26 तारीख ने वहां पे 26 जून ने जंतर मंतर पे पहुंचेंगे, अब दिल्ली में दंगल होगा देख लिए। देखो जिस तरह से सत्येंद्र मलिक के ऊपर बैन लगाया गया आजीवन वो पूरी तरह से गलत है। अगर आप वीडियो की बात करोगे, वीडियो में देखोगे तो पहले जो कोच था, मेरे को नहीं पता कौन था कोच, लेकिन पहले उसने हाथ उठा रखा है, उसके बाद उसने हाथ उठा रखा है। अब खेल के दौरान खिलाड़ी हैं, आपस में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उस चीज़ को बातचीत के जरिए भी ख़त्म किया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाया है, वो खिलाड़ी होने के साथ साथ एक सेना का जवान भी है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को और फेडरेशनों को सोचना चाहिए, इस तरह किसी खिलाड़ी का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और हम सत्येंद्र मलिक के बिल्कुल पूरी तरह से साथ हैं, हर तरह से उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।